जय जिनेन्द्र, जय पार्श्वनाथ। आज 108 पार्श्वनाथ की दर्शन श्रृंखला में हम लोग हाजिर हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध 108 पार्श्वनाथ के प्रभावक तीर्थ श्री उदयाकर चंद्र पार्श्वनाथ जी के आंगन में। यहाँ पर चंद्र पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जी विराजमान है। उदयपुर के घंटाघर और जगदीश मंदिर जी के नज़दीक में ये जैन तीर्थ स्थित है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं सिटी पैलेस में देखने के लिए, टूरिज्म के लिए। वो यहाँ के इस विशिष्ट मंदिर को हमेशा स्किप कर जाते हैं। तो आइए हम लोग दर्शन करते हैं इस विशिष्ट तीर्थ के, जो कि अभी तक बहुत ही कम लोगों के जानकारी में आया है। क्योंकि ये जो मंदिर है, ये बीच बाजार में स्थित है। इन्हें उदयाकर चंद्र पार्श्वनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग इन्हें चंदा पार्श्वनाथ जी के नाम से भी जानते हैं। पूरे पूरे भारतवर्ष में पार्श्व प्रभु के 108 तीर्थ हैं। उसमें से ये वाला तीर्थ श्री चंद पार्श्वनाथ प्रभु के नाम से विख्यात है। यह कहा जाता है कि ये प्रतिमा जी नीली की नीली परछाई जैसी चंद्रमा के रूप से जो है दिखती है, इसीलिए इन्हें चंद्र पार्श्वनाथ कहा जाता है। आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो इस प्रतिमा जी में थोड़ा सा नीला रंग देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि चांदनी का एक स्वरूप दादा के अंदर उतर के आया हो। और साथ में जब आप दादा की स्माइल देखेंगे तो वो भी चंद्रमा की भांति हमें दिखाई लगती है। इसीलिए इन्हें चंद्र पार्श्वनाथ कहा गया है। पूरे भारतवर्ष में 108 अलग अलग प्रभाव तीर्थ हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान के। और ये भी एक अलग जो है छवि लिए हुए है परमात्मा की प्रतिमा जी, अत्यंत मनोहारी, नीलवर्णीय है, बहुत लाइट सा इसका ब्लू कलर है। प्रभु की ये प्रतिमा जी विक्रम संवत 1325 को आषाढ़ सुद 8 का लेख इसके अंदर उत्कीर्ण है। जबकि उदयपुर नगर की स्थापना विक्रम संवत 1616 में हुई थी। तो उदयपुर नगर बसने से पहले इसका नाम पिछोली कस्बा था। तो ये पिछोली कस्बे के अंदर थी जो कि आज का उदयपुर है। श्वेत पाषाण से निर्मित विक्रम संवत 1608 की चरण पादुका भी यहाँ पे प्रतिष्ठित है। और गर्भगृह में ही परमात्मा श्री आदिनाथ की प्रतिमा जी पर विक्रम संवत 1742 का लेख यहाँ पर अंकित है। कविवर श्री ज्ञान विमल रचित स्तवन में श्री मेघ विजय जी उपाध्याय के द्वारा रचित श्री पार्श्वनाथ नाम माला में, श्री शील विजय जी द्वारा रचित तीर्थमाला में और कल्याण सागर जी के कृत श्री पार्श्वनाथ चैत्य परिपाटी में उदयपुर के प्रभु पार्श्व को उदयाकर नाम से अलंकृत किया गया है। जी, विक्रम संवत 1750 में रचित सौभाग्य विजय द्वारा तीर्थमाला में भी उदयपुर के तीर्थों का वर्णन किया गया है। उसमें श्री चंद्र पार्श्वनाथ प्रभु की भी महिमा का गुणगान किया गया है। तो हम लोग दर्शन कर रहे हैं देवलोक जनालय के इस पेज पर लाइव, देवलोक से आई हुई ये प्रतिमा जी ऐसा लगता है कि सीधे देव विमान से उतर के सीधे उदयपुर के इस नगर में हाजिर है। तो यहाँ के पुजारी जी हमारे समक्ष हैं, यहाँ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। पुजारी जी बताइए। 1325 का ये मंदिर बना हुआ है जी। और इसको न मान के पुराना है और इसको कह नहीं सकते, परमात्मा की इच्छा की ओर से जो काम होता है। अच्छा जी, धन्यवाद। आपका नाम? आपका चंद्र प्रकाश वैष्णव। चंद्र प्रकाश जी वैष्णव। ओके, यहाँ के पुजारी जी चंद्र प्रकाश जी वैष्णव। ये हैं दर्शन श्री 108 उदयाकर चंद्र पार्श्वनाथ जी के। जय जिनेन्द्र, जय पार्श्वनाथ।